नमस्कार गांव कनेक्शन, आज आपको एक बहुत ही खास पर्सन से, एक खास व्यक्ति से, सच्चे से मिलना मिलवाने वाला है, जिनकी वो रहते झारखंड के एक छोटे से गांव में हैं, लेकिन उनके बारे में कैम्ब्रिज तक में पढ़ाई हुई है, लोग उनके बारे में जानते हैं, रिसर्च हैं, बड़ी बड़ी थीसिस लिखी गई हैं, उनको पद्मश्री मिला है, उनको झारखंड में जल पुरुष कहा जाता है, नाम है पद्मश्री श्री सिमोन उराव, यहाँ पे इनको सिमोन बाबा के नाम जानते हैं, वो यहाँ आदिवासियों के राजा हैं, इनको पढ़ा राजा कहा जाता है। ये उनका घर है जो कि रांची के बेड़ो में है। मैं आपको दिखाता हूँ वो कितने सरल हैं और कैसे उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों की ज़िंदगी बदली है। दो लाइन में ये बताऊँगा कि ये इलाका जो है हरा भरा तो है, लेकिन काफ़ी साल पहले ऐसा नहीं था, बंजर ज़मीन है। यहाँ की 4000 हेक्टेयर ज़्यादा ज़मीन को वो खेती योग्य बना चुके हैं, बहुत सारे तालाब बनवाए हैं उन्होंने, बहुत सारे उन्होंने यहाँ पे बांध बनाए हैं। नाम सिमोन उराव जी, हम उनके घर आए हैं। ये घर है बेड़ो, जो कि रांची से करीब 35 किलोमीटर दूर है, और आप देखिए कितने सरल ढंग से वो रहते हैं आदिवासी, इसीलिए शायद उनको भी पूछते हैं, उनको मानते हैं, अपना राजा मानते हैं। ये है वो शख्स जिनके बारे में दीवारें रंगी पड़ी हैं, आप यहाँ देखेंगे तो मैं ज्यादा क्या बोलूँ, आप खुद देखिए। इसे मिलने से पहले आप देख लीजिए सामने, तो जल जमीन के बाबा हैं। बस लोग अगर आप गूगल पे हैं, अगर आप फेसबुक पे नाम लिख देंगे आपका, तो आपको समझ में आ जाएगा वो कितनी बड़ी सक्सेस हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा शायद ही हो, जो आपकी सादगी है वो बताती है कि कैसे इन्होंने यहाँ के लोगों को बदला, कैसे खेती करना सिखाया, कैसे यहाँ के पानी के बारे में बताया। कहीं बैठ जाते हैं यहाँ पे, आइए। अच्छा, आपके जंगल थे, इधर आ जाइए दादा। हाँ, ये आपका जो घर है वो एक तरह से प्रयोगशाला है, यहाँ पे पौधे हैं, यहाँ पेड़ हैं, पानी सब कुछ इन्होंने कैसे किया है वो आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। सबसे बेहतर यही है कि यहाँ पे बैठा जाए और आपको सिमोन उराव बाबा के बारे में जी बैठिए यहाँ पे, आइए आइए। नब्बे साल के हो गए हैं सिमोन बाबा, और जब वो 14 साल के थे तब से उन्होंने लड़ाई लड़ी। मैं आपको आप ही बोलेंगे और सुनेंगे, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ। बाबा, जंगल जमीन की लड़ाई कब से शुरू की आपने? हमारा मार 14 साल हुआ से खल से हम जमीन से, और जंगल बचाओ, बार बगीचा बचाओ, पानी बचाओ, उन सब को अभी तक करते रहे, अभी तक। और जो फिर से करी गांव वाला को एक साथ बैठाना, एक साथ बात विचार करना, एक साथ समझाना, बांध बांधने के लिए कोई ज़मीन नहीं देने चाहता था, एकदम बंजर जमीन, और इतना सबका समय ख़राब था, कोई खाने लायक आपको किसी को चावल का ठिकान नहीं, इसीलिए हम बैठा के एक साथ जोड़े, और जोड़ के हम पहला बांध बांधे खेत बनाने के लिए नरपत्रान, उसमें कृषि करे 5-6 गांव का आदमी के जुटाइए और अपना ज़मीन ने बांधे, और बांधने के बाद कृषि करीब 30-35 फीट खाल था, उसको पहला भट्ट है बनाया और खेत के लायक बन गया, तब दूसरा फिर बांधे आंत वालों ने, आंत वालों भी बैठा गया, सब सम हो गया, मगर बारखा आने के बाद कृषि करीब हमारा दादू लोग और फादर लोग अघान पूस माघ फागुन चैत वैशाख जेठ आषाढ़ तक काम करवाता था, उसमें नाला को भटना कुड़ना, कभी कुड़ी से कर झोड़ी से करते थे, कभी हार कुड़ी करके कुड़ूर पाटा सारा चीज करके उसको लेबल कर लेबल किए, तो फिर से करीब बरसात के आने के सावन में तेजी बरखाता था, पहले एक दिन में सब के कर रहा बहा देता, उसी के चलते जिसका जिसका जमीन था चावरा ने और गढ़ा ने सबको बैठाई एक साथ,
और बैठाने के बाद जिसका जिसका जमीन था वो सब देने वाला नहीं था कि महारंग ले जमीन है इसको देंगे तो पानी डूब जाएगा का कमाएंगे कहीं कि नहीं देना चाहता था। तब 3 साल हमको समझाने लगा जिसका जिसका जमीन है इसको और अपना जमीन हम 3 ठो बनवाएंगे 3 जगह उसी में देखा और सबको समझा दिया। देखिए कोई मंदिर कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कोई सरना बड़ा चीज़ नहीं है, कहीं गिरजा बड़ा चीज़ नहीं है, मस्जिद बड़ा चीज़ नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ मंदिर एक बार बगीचा है, पेड़ पौधे हैं जिनसे खेती है, हाँ, और एक तालाब है, कुआं है, बांध है। इससे बड़ा मंदिर पृथ्वी में कोई नहीं। से ले मंदिर तालाब बनाइएगा तो दिन ना रात पूजा करेगा। से ले सबसे पहला मंदिर तालाब बांध, यहाँ 10 गो आदमी कमाएगा खाएगा जीविका भी चलाएगा और जितना जीव जंतु जितना जानवर जंगली जानवर चाहे कोई पानी का बिना आश्रय पानी नहीं है तो कोई नहीं पी। हाँ, पानी की फैक्ट्री आप कह रहे थे नहीं कहीं है तो सेल सब समझ गया और अभी कर से करीब 100 एकड़ जमीन को हम सबको छुड़वा दिए और सबको जमीन बना के सबके अभी बढ़िया से 3 फसल खेती कर रहे हैं। अरे वाह, मैं आपको कुछ घर के बारे में और दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। दादा आइए ना, ये आपने कह रहे थे कि मनुष्य को इसलिए जिम्मेदारी मिली है प्रकृति की क्योंकि चिड़िया जो है जो दूसरे पशु हैं जो पक्षी वो पेड़ नहीं लगा सकते, धरती को उस तरह बचा नहीं सकते, ये जिम्मेदारी मनुष्य को मिली इसीलिए उन्होंने उसको निभाया। और आप देखेंगे कि जो इनका घर है यहाँ पे बेड़ों में उसको भी उन्होंने पूरा बाग बगीचे बना दिया है, बहुत सारे कुएँ खोदे हैं, बहुत सारे तालाब खोदे। जब 14 साल की आपकी उम्र थी उस समय लड़ाई लड़ना शुरू किया और अब तक वो 5-6 बांध बना चुके हैं बड़े वाले, जंगल के बीच से नहरें निकाली हैं और जो बेहतरीन से काम किए वो ये कि यहाँ पे अब 2-2, 3-3 फसलें होती हैं। आप इस इलाके को यहाँ देखिए ना, जैसे बिल्कुल कुएँ के दिखाते हैं, इस तरह के कुएँ बनाए गए जहाँ पानी रोका गया संभाला गया और उनसे खेती भी होती है। ये गांव का कुआँ है लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं उरोम बाबा ने यहाँ पे करके दिखाया है। वो अभी मुझसे बता रहे थे कि ये जिम्मेदारी दी गई क्योंकि यही होगा कि अनाज की फैक्ट्री है चीज़ें नहीं हो पाई, जो अनाज की फैक्ट्री अभी तक नहीं बन पाई है जबकि सबसे ज़्यादा जरूरत उसी की है। ये अनाज की फैक्ट्री वाला क्या था बता रहे थे लोग, शायद भूल गए होंगे। मैं बस अपने पाठकों को दर्शकों को फिर बता दूं कि हमारे साथ हैं झारखंड के जल पुरुष, वो किसान प्रशिक्षक जिन्हें पद्मश्री मिला है। भारत ही नहीं कई दूसरे देशों ने आप पे थीसिस लिखी हैं, शोध किए हैं क्योंकि वो अपने आप में एक चलता फिरता संस्कार है, चलता फिरता एक ग्रंथ है जिन्होंने किसानों को खेती करना सिखाया है, आदिवासियों को नई जिंदगी दी है। पता तो आप कह रहे थे पानी क्यों जरूरी है हमारे लिए, उसके बारे में आप बता रहे थे पानी और अनाज के बारे में। देखिए मनुष्य तो बिना अन्न कर जी नहीं सकता है जी, और बिना पानी का से ले हम तो कहते हैं पूरा विश्व देश में अन्न का कारखाना तो कहीं नहीं है और पानी का जी जी चलते हाँ, और करते करीब अन्न का कारखाना तो हमारा किसान है, आई 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 साध है चाहे उराव है सब किसान अन्न का कारखाना है। इसलिए हम चाहते हैं कि करते करीब अभी धरती के छोड़ दिया 30 फीट से 35 फीट पानी और जहाँ डीप बोरिंग किया है इसमें 40 से 45-46 पानी धरती के नीचे जा रहा है, नाची नीचे चल गया जी। इसलिए अभी बरखा भी कर से करीब पहले 4 महीना बरखा तो 4 महीना ठंडा तो 4 महीना गर्मी, मगर अभी बरखा तो खत्म हो गया कर से करीब 40-50 दिन भर पानी आता है और पूरा सूखा रहता है। से ले हम तो कहेंगे कि जितना जो नदी नाला है जितना आप कहीं कहीं गोरमंदिर है तालाब के जो है अभी तोड़ रहा है तो हमको राशि से फोन किया कि सुंदरीकरण है।
अरे हम कहें कि रुपया का सुंदरीकरण है। दादा आप बाबा इधर आ जाइए। हाँ रुपया का सुंदरीकरण है जी, जी, जी। पानी का जो तालाब ने पानी सूख दिया उसको पाँच फीट से दस फीट गहरा करना है। पाँच फीट पानी जाना है तो बैठे यहाँ पर आराम बैठे। अभी तक जितना भी तालाब सूख रहा है उसको हर को गढ़ाकरण करना चाहिए। एक जहाँ हम चल गए थे लापुंग में नहा रातू बांध है उसे इंक्वायरी कर रहे थे तो गर्मी फसल बहुत लगाता है उस पानी से और नहर बन गया मगर हमको इतना तकलीफ लगा हुई यहाँ किसान को देख के कि चार फीट के गो पुल बनाया है ना यहाँ भार आटता है ना पुआल आटता है ना गरु कड़ा के से लोग नहा नया कर से करीब रतरतु डैम से ढाई ठो गाँव है ढाई ठो बारह फीट के पुल चाहिए। हमको बहुत दिक्कत लगा देख के तो वो किसान लोग को का खेती करेगा वो तो लेते वो सब लागत में निकल जाएगा उनका। तो से हम सोच रहे हैं कि अभी ढाई ठो बस्ती है ता बारह फीट के एक ठो पुल होना चाहिए यहाँ कौन ठेकेदार ले हमको तो बहुत अफसोस लगा जी। अभी किसान को देखे और कांत कांत के भार पानी 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 पार करता है। सिमोन बाबा कह रहे थे कि जो अभी तक पानी को लेके जो यहाँ का झारखंड में जो वाटर लेवल है वो लगातार नीचे जा रहा है। जब आपने काम शुरू किया तो 5-6 फीट पानी था, अभी जब कुएं बनाना शुरू किया तो 25 से 15 पे आया। इस समय कई सारे गाँव का जो पानी है वो 42 फीट नीचे चला गया है, जिसको लेके आप बहुत चिंतित हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि पानी की फैक्ट्री नहीं बन पाई है। अनाज बहुत जरूरी है, पानी सबसे प्राथमिक है, उसका अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं हो पाया और जो कवायदे हुई हैं सरकारी स्तर पे वो इतनी कारगर नहीं कि उनका काम हो पाए। सिमोन बाबा का ये भी कहना है कि पानी नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसीलिए वो आदिवासी गाँव में जाते हैं। यहाँ के जो कम से कम 100-200 गाँव हैं वो आपके प्रभाव में हैं, आपको राजा मानते हैं, आपको पूछते हैं वो लोग। आप कई बार त्यागपत्र दे चुके हैं कि उनको ये जिम्मेदारी अब उनसे संभाली नहीं जाती है क्योंकि 90 साल की उम्र हो, लेकिन वो यहाँ के जो आदिवासी हैं जो ग्रामीण हैं वो फिर कहते हैं नहीं कि आप ही मेरे मसीहा हो, आप ही हमारे पर्सन हो। तो खेती और पानी की समस्या तो पूरे अब तो पूरे देश में हो गई है, पूरे भारत में हो गई है। किसान क्या करें जो उनकी खेती हो? झारखंड को तो आपने इधर बचाया, बाकी किसान क्या करें? दूसरे राज्यों के यूपी के बिहार के देख सूखा खेती करना भी किसान को बहुत जरूरी है जी। मुर्गी पालन, गेड़े पालन, बकरी पालन, सुअर पालन करते करीब, गाय पालन, भैंस पालन, ये सब सिलाई सेंटर खोलना, कहीं कहीं सरकार करते करीब हर चीज में ध्यान दे किसान को। एक ही काम नहीं करना है उसको। अभी देख रहे हैं बहुत को कि करते करीब खाली बरखा खेती भर से ना बाल बच्चा के पढ़ाने सिखाने पड़ेगा, हर चीज में खर्चा आगे बढ़ते जा रहा है और विकास का काम भी कोई फायदा का चीज घटते जा रहा है। इसलिए हर चीज ने जितना जो गढ़ा है तो 3-3 हजार ढोड़ा ने बांध बनना चाहिए और बरखा कर पानी के जमा करना चाहिए कि 3 हजार अगर यहाँ से हम देखते हैं नगरी से यदि गुमला रोड से कर से करो तक 10-15 को बांध बनना चाहिए और पानी लबलबा यहाँ रहना चाहिए कैसे करें। यही काम बाकी राज्यों में भी होना चाहिए पानी को आपने। और जितना जो पुराना तालाब हटा गया उसके कैसे करीब गर्मी ने हर तालाब ने 5 फीट पानी रहना चाहिए गर्मी में। बाबा का सूत्र है ये कि अगर आपको खेती करनी है, जिंदगी बचाए रखनी है बरसात को है तो गांव के जितने तालाब हैं वो बचाए जाएं, और अगर उसका पैरामीटर क्या हो कि सब कुछ सही जा रहा है, सही कुछ सही जाने का ये पैरामीटर ये है कि वहां पे हर तालाब में 5 फीट पानी होना चाहिए। अगर ऐसा 5 फीट पानी रहता है तालाबों में गांव के तो आप सुरक्षित हैं, आने वाली नस्लें सुरक्षित हैं। बाबा साहब यही नहीं करते कि बताते वो नहीं जाते हैं, वो यहाँ के लोगों के लिए चलता फिरता यहाँ पे अस्पताल भी हैं और ये देखे दादा बहुत सारी दवाएं बनाते हैं लोग आपकी वो लेकर जाते हैं यहाँ से। हाँ सबको किसी के ताकि अस्पताल से कम खर्चा हो लोगों का वो ज्यादा। ये देखिए
ये सब जड़ी बूटी रखी हुई है, देखिए ना डॉक्टर भी है। हां तो काहे काहे की दवा है इसमें? बहुत किसी का ये खुद भी देखिए, आप देखिए कुछ करते हैं कि अस्पताल में जाना पड़ेगा, कुछ पैरों में देखे दिक्कत हुई तो उन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ। आप किस लिए आई यहाँ पे? दवा देखिए ये है ना यहाँ के गांव। आप आइए ना, कहाँ से आई हैं आप? आपका नाम क्या है? एक मिनट मैं जरा माइक ले लूँ, माफ कीजिएगा समझ नहीं पाए जी। आपका नाम क्या है? कलावती जी। आप यहाँ किस लिए आई हैं? सिर दर्द। दवा लेने आई हैं? तो जो आप दवा देते हैं बाबा सही असर होता है उसका? नहीं पहला बार आओ। पहले बार आए हैं, इन बहुत सारे लोग आते रहते हैं ना? हाँ पता नहीं आपके तो उनका मेहमान घर हमारे घर है। अच्छा वही बताए सिमोन बाबा अपने आप में यहाँ पे एक चलता फिरता जो है कि अजूबा आप कह सकते हैं इनको, जो इन्होंने सिखाया है और जिन लोगों ने सीखा उनके बारे में लोग लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और उनसे करते हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार साथी हैं, जो कि हमें वो बताएंगे कि सिमोन बाबा का यहाँ के लिए क्या महत्व है। अरविंद जी हैं, स्वागत है अरविंद जी गाँव कनेक्शन पर आपका। धन्यवाद। सिमोन बाबा का क्या मतलब है झारखंड के लिए? सिमोन बाबा का बहुत सारा मतलब आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रकृति को संरक्षित करने का और कुदरत के प्रति लोगों में प्यार पैदा करने का, खेती के प्रति प्यार पैदा करने का, लोगों में जागरूकता पैदा करने का बहुत सारे कम ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन इन्होंने एक साथ कई ऐसे काम किए हैं जिसने इनके कार्यों ने इनको झारखंड का जल पुरुष बना दिया है। जैसे राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय फलक की बात करें तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, मैग्सेसे अवार्ड भी मिला उनको जल के संरक्षण के लिए। लेकिन झारखंड के संदर्भ में सिमोन इसलिए प्रासंगिक हैं क्योंकि झारखंड पहाड़ों पर बसा एक राज्य है और पहाड़ों पर बसे लोगों की कई सारी मुश्किलें होती हैं, तो सिमोन उरांव के किए गए कार्यों ने इनकी पद्धति ने लोगों को बहुत सारी प्रेरणा दी है। आज इनके किए गए कार्य ऐसे हैं कि इन्होंने आप कह सकते हैं कि पहाड़ों में भी पत्थरों में भी फूल खिला दिए, पहाड़ का सीना चीर कर इन्होंने पानी निकाला और पानी सैकड़ों हेक्टेयर में जो खेती हुई इनके प्रयासों के बदौलत आज कई सारे इलाके हैं जहां पर हरियाली आई है। तो झारखंड के संदर्भ में सिमोन उरांव एक बड़ा नाम है, पद्मश्री अवार्ड इनके जैसे शख्सियत को मिलना ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि इसे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और लोग पर्यावरण के संरक्षण के लिए कृषि के प्रति लोग काफी जागरूक होंगे। ये एक बड़ा मतलब है सिमोन उरांव का झारखंड के संदर्भ में। अरविंद आप बहुत शुक्रिया। अरविंद जी हमारे नाम हम दोनों के साम एक जैसे हैं और अभी हम कुछ सफर भी झारखंड में एक साथ कर ही रहे हैं, तो बाबा से जो मुलाकात है कुछ और बात है। अगर बाबा मैं पूछूं कि जो भारत के किसान हैं उनको क्या करना चाहिए तो क्या बताएंगे आप? अगर भारत के जो किसान हैं दूसरे झारखंड के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे कर्नाटक के हों, चाहे मणिपुर के हों, उनको क्या करना चाहिए ताकि खेती फायदे का सौदा बनी रहे, नुकसान कम हो उनको? ठीक देखिए घर से करीब एक साथ बैठना, घर को चलाना है बढ़िया से, एक साथ सहराना है तो 5 मिनट से 10 मिनट परिवार को बैठना एक साथ सांझ को, और गांव को एक साथ चलाना है, एक साथ जुड़ना है, एक साथ काम करना है तो हफ्ता में कर से करीब 1 घंटा से 3 घंटा बैठना चाहिए और गांव का सारा एक संगठन बनाना चाहिए। देखिए सेल हम काबो करते हैं, देखो सीखो करो और करवाओ, और एक तो कहते हैं देखो सीखो करो और दूसरों का खिलाओ। जब तक ऐसा नहीं करेगा तब ना आ भर के चलाने से तो नहीं चलेगा, सेल सब मिलजुल के करना। हम अभियोग आते हैं पूरे देश को सब पार्टी मिल के, अगर इतना विकास चाहता है जनता का पूरा देश में तो बिना आंध का तो कोई नहीं उड़ता है, तो हवा खाई उड़ता है, पानी में भी दौड़ता है तो आने खाई के दौड़ता है। पूरा देश सेल कहते हैं कि आंध का कारखाना तो पृथ्वी में किसान है,
किसान थोड़ा का कोई नहीं है जी। और रुपया का कारखाना तो पृथ्वी ने बिछा हुआ है, हर लाइन से रुपया कमा सकते हैं, मगर रुपया के खाएगा, सोना चांदी के खाएगा कि आन के खाएगा? सेल हमारा कहना है कि आन का कारखाना किसान और पानी का मालिक भगवान। हम कहते हैं कि कैसे करीब 4 महीना बरखा तो 4 महीना ठंडा तो 4 महीना गर्मी जी, और साल में भगवान किसान को एक दिन तनख्वाह देता है अघन में। और किसान लोग हर विभाग के हर पार्टी को किसान लोग हर महीना तनख्वाह देते हैं, मगर किसान सब खुश रहते हैं। मगर जतना जो है विभाग कहाँ है अभी अन खुशी है, जतना भी योजना देखते हैं अभी देखें, कान ने सुनने के लिए बहुत दिखता है मगर आँख के देखने में बहुत कम दिखता है। जमीन पे चीज़ें कम है, हाँ हाँ, सेल कहीं भी कारखाना बनाना है, कहीं कुछ करना है तो जमीन का भंडार को नहीं बर्बाद करना और सारा चीज को जुगाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि जमीन का दोहन ना हो, पानी का कारखाना नहीं लग सकता, रुपया का कारखाना है, सोना चांदी आप खा नहीं सकते, होती जमीन में है लेकिन उसे खा नहीं सकते, इसलिए उसे बचा के रखिए, सब लोग मिलके काम करिए। सरकार जिस क्लस्टर की जिस खेती करती है उसकी लगातार वकालत करते रहे हैं। अंग्रेजों के आज़ादी के बहुत साल पहले से आपकी लड़ाई जारी है, 90 साल की उम्र में अभी भी आप लगातार खेतों में जाते हैं, काम करते हैं और गाँव कनेक्शन की टीम को लेकर के भी अभी वो खेतों में जाएंगे। गाँव कनेक्शन आपको बहुत आपके बारे में बताएगा, कुछ और जानकारियां देगा। तब तक एक जो हमें समझ में आया है, जो आपको समझना चाहिए कि जल जंगल जमीन से जुड़े रहिए, पेड़ लगाइए, धरती को बचाइए, नहीं तो फिर कुछ चीज़ें गड़बड़ होंगी, यही बाबा का मूल मंत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हम पेड़ लगाए हैं, सुबह आप 2 आदमी खड़ा होकर 6 बजे से 6 बजे शाम तक निश्चित रहेगा हमारा आदमी को दिखाने के लिए, और कुआं कोड़े हैं 10 कि देखो सीखो करो और करवाओ, और एक ठो कहते हैं देखो सीखो करो और खाओ और दूसरों को खिलाओ। अभी एक कटहर यहाँ से दिल्ली तक चल जाता है, आसाम भटंग चल गया, बताइए कटहर कैसे कर, इतना भारी कटहर फला था, बहुत की बिक्री कर दी। ये कहते हैं कि आप प्रकृति के साथ रहेंगे, प्रकृति को आप ध्यान रखेंगे तो प्रकृति आपका ध्यान रखेगी, धरती आपको पेट भरती रहेगी। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं।